नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 50 केंद्रों पर बुधवार से शुरू होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा। कदाचार मुक्त एग्जाम कराने की तैयारी में जुटे अधिकारी। प्रेम प्रसंग की जाल में फंसी शादीशुदा महिला, अब ना प्रेमी कर रहा शादी और ना ही पति रखने को है राजी। नशे के धंधेबाजों के खिलाफ लोगों को आवाज उठाना पड़ा महंगा। एसएसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे युवक। नगर निगम से वार्डों में भेजा जा रहा है कंबल, जरूरतमंदों को वार्ड पार्षद करेंगे वितरण। और लोहिया स्वच्छ अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। और अब समाचार विस्तार से। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सारी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। 1 फरवरी से शुरू हो रही इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में भी उत्साह है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से निर्देश जारी कर सभी छात्र छात्राओं को 10 मिनट पहले सेंटर पहुंचने को कहा गया है। विलम्ब से आने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। समिति की ओर से साफ निर्देश दिया गया है कि देर से सेंटर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को उस पाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू होगी, यानी परीक्षार्थियों को सुबह 9:20 तक सेंटर में प्रवेश कर जाना होगा। उसके बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1:45 बजे शुरू होगी, जिसके लिए सभी परीक्षार्थियों को दोपहर 1:35 तक परीक्षा केंद्र पहुँचना पड़ेगा। भागलपुर जिले के 50 केंद्रों पर इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन होगा, जिसको लेकर भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में 38 केंद्र बनाए गए हैं। वे कहलगांव अनुमंडल में 6 और नगछा में भी 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इंटर परीक्षा को लेकर जिले में 4 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंटर परीक्षा में 40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इस बार परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद, यानी किसी परीक्षार्थी के पास एडमिट कार्ड नहीं है तो भौतिक सत्यापन के बाद उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जबकि एडमिट कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में फोटो त्रुटिपूर्ण होने की दशा में भी जांच करने के बाद परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थियों को फोटो युक्त प्रमाणित दस्तावेज केंद्राधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फोटो युक्त बैंक पासबुक दिखाना होगा। केंद्राधीक्षक किसी एक दस्तावेज से परीक्षार्थी के चेहरे का मिलान करने के बाद अनुमति देंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर भी इस बार विशेष तैयारियां की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर मेन गेट पर ही छात्र छात्राओं की तलाशी लेने का निर्देश दिया गया है, जबकि मेन गेट पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। छात्र छात्राओं की तलाशी के लिए महिला पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने के दौरान भी वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 1 फरवरी से आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर में कुल कितने केंद्र हैं? 38 केंद्र हैं, जिसमें 14 बालिकाओं के लिए और 24 बालकों के लिए। कितने प्रत्यक्ष परीक्षार्थी टोटल है? सिर्फ परीक्षार्थी ऐसे 42,000 के आसपास में है, 41,000 समथिंग है। तो तीनों जगह मिला करके जिले का मैं बता रहा हूँ, अनुमंडल वाइज मैं नहीं बता रहा। जिले पूरे जिले में 42,000 42,000 कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश? भागलपुर का ये कैसे के रहा है, और अब तो पूरे बिहार में ऐसे कदाचार मुक्त एग्जामिनेशन होते हैं, लेकिन बिहार में ऐसे कि भागलपुर एग्जामिनेशन के मामले में एक अलग ऐसे के अपना ऐसे कि बनाया है, स्थान बनाया है, और यहाँ ऐसे कि प्रत्येक एग्जामिनेशन कदाचार मुक्त। सुरक्षा की दृष्टि से क्या देखा गया? सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ऐसे कि यहाँ हमेशा रहा है, हम लोग ऐसे कि जो सीएस है, सीएस की और ऐसे कि जो लोकल लेवल के जो होते हैं डॉक्टर्स,
उन सारे लोगों से हमारी ऐसे कि ये रहती है, और पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि इस तरह का एक मामला आता है तो हम लोग 10 से 15 मिनट में हमारा एम्बुलेंस वगैरह ऐसे के पहुंच जाता है, और ऐसे के बिल्कुल ऐसे के सेफली बच्चे एग्जामिनेशन। आदर्श परीक्षा केंद्र कितने हैं सर? इंटर में आदर्श परीक्षा केंद्र 4 हैं और मैट्रिक के लिए भी 4 निर्धारित। कितने व्यवस्था आदर्श परीक्षा केंद्र में? आदर्श परीक्षा केंद्र में ऐसे के सारे ऐसे के विजिलेटर, केंद्र अधीक्षक, पुलिस बल सारे ऐसे के रहते हैं, महिला सीसीटीवी वगैरह ऐसे की रहती है जो बाहर से रहती है। अंदर में चूंकि आजकल ऐसे के टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर चुकी है कि हम लोग ऐसे की फ्रीडम नहीं दे सकते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होते हैं उससे ऐसे के दुर्घटनाएं घट सकती है, इसलिए क्लासरूम में जो एग्जामिनेशन होते हैं वो ऐसे कुछ नहीं सीसीटीवी। इधर यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंचने में कोई परेशानी ना हो उसके लिए आवागमन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाजार में जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो उसके लिए सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। वे विक्रमशिला सेतु पर जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो उसके लिए भी भागलपुर और नगरछा पुलिस पदाधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक का नियम वही रहेगा लेकिन इसमें भीड़ भाड़ अधिक होगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले तो पुल जो विक्रमशिला पुल है उसको सिक्योर कर रहे हैं। इसके लिए जो ट्रक चलती है उन ट्रकों को पीरपैंती पे ही आज रात 3 बजे से रोक देने का आदेश दिया गया है। साथ ही आसपास के जो और भी थाने हैं जैसे कजरेली, जगदीशपुर, सबौर, 0 माइल, इन थानों को भी निर्देश दे दिया गया है कि ये लोग भी ट्रक को रोक दें ताकि लोग बच्चे लोगों को या गार्जियन को आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो। साथ ही हमारा जो ट्रैफिक व्यवस्था है शहर में इसके लिए हमने 7 अतिरिक्त पॉइंट चिन्हित किए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, वहां पर अतिरिक्त 35 बल की मांग की गई है। उम्मीद है वो बल मिल जाएगा और उसको भी ड्यूटी में लगाया जाएगा। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव एक खास मसले को लेकर चर्चा में है। दरअसल एक शादीशुदा महिला का पड़ोसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला 2 बच्चे की मां भी है लेकिन महिला अपने घर परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए तैयार हो गई और छोड़कर घर चली गई। लेकिन कहानी ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब प्रेमी ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। जबकि महिला के पति को इसका पता चला तो उसने भी उसे घर में दोबारा आने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में महिला के दर दर भटकने की नौबत आ गई। महिला के पति ने कहा कि कई बार उसने अपनी पत्नी को मना करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। जब वह पड़ोसी के साथ रहने के लिए तैयार है तो अब वह भी उसे नहीं रखना चाहता। वही गांव वालों के बीच मसले को लेकर पंचायत भी बुलाई गई लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। फिर गांव वालों ने पुलिस को बुलाया जिसके बाद पुलिस द्वारा पति पत्नी और प्रेमी को थाने लाया गया। वही पुलिस ने प्रेमी को अपने हिरासत में ले लिया है। मैंने घर गया था 12 बज रहे थे, 1 बज रहा तो घर गया था, मेरा गेट मेरा खुला हुआ था। हम सोए हुए थे, उसको बोलेगा कि क्यों आए हो तो कुछ नहीं बोला। वो जब मेरा पति मेरा घर गया तो डायरेक्ट छड़प के मैं वहाँ छत पे चढ़ गया, उसको पकड़ के लाया तो लपट कर दिया है। आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसमें कुछ नहीं हुआ। कितना दिन से प्रेम प्रसंग था? 4 वर्ष। और पति? पति तो ये कहाँ रहता है? अरे हम रहता है, कहाँ रहता है? कितना बाल बच्चा है? क्या बाल बच्चा? 2 का है, 8 साल की, 1 को 3। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मेरा पति बोलता है तुमको नहीं रखेंगे, नहीं रखेगा तो वो करेगा शादी, नहीं वो नहीं रखेगा, दोनों में से कोई नहीं रखे तो कहाँ जाएंगे हम। भागलपुर में नशे का कारोबार चरम पर है। बेहौ ब्राउन शुगर कारोबारी धड़ल्ले से कारोबार कर रहे हैं। पुलिस के लाख सख्ती के बाद भी इस पर लगाम नहीं लग रहा है। ताजा मामला इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 2 का है जहां नशे के कारोबार का विरोध करने पर धंधेबाजों ने मोहल्ले के लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें स्थानीय निवासी 50 वर्षीय रामविलास दास, सचिता दास, गौरी देवी, सोनी देवी, विजय दास, राहुल कुमार घायल हो गए। मामले को लेकर
बताया जा रहा है कि चकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत झोपड़पट्टी में लगातार ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है, जबकि स्थानीय पुलिस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मामले को लेकर मोहल्ले वासियों ने कहा कि अमरजीत दास विगत 5 वर्षों से धंधे में संलिप्त है, पुलिस को जानकारी होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वही मोहल्ले के लोगों ने आज स्मैक कारोबारी को मोहल्ले में कारोबार बंद करने को कहा गया तो उसने अपने गुर्गों के जरिए हथियार का भय दिखाकर मोहल्ले के लोगों की पिटाई शुरू कर दी। अपराधी इतने बेलगाम थे कि उन्होंने महिलाओं तक को नहीं बख्शा, जिसके बाद मामले की शिकायत लेकर मोहल्ले के लोग शक्तक थाने पहुंचे तो थाने की पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार करने का झूठा आश्वासन दिया। मोहल्ले वासियों ने कहा कि आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहा है और उसने फिर मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद मोहल्ले के लोग वरीय पुलिस अधीक्षक के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। मामला यही है सर, कल जो है ना 30 तारीख को दिन में शाम में 7 बजे अमरजीत उर्फ बीसी कुमार और उसके साथ है मतलब मेरा भाई है जिसका नाम शशि कुमार है, बाप का नाम सरजुग दास है, जो कि वो उसका भाई जो है बिहार पुलिस में है, और जो बीसी है यानी कि अमरजीत कुमार वो मतलब ब्राउन शुगर और स्मैक का धंधा करता है। तो उसी विरोध में हम लोग कहे कि नहीं धंधा यहाँ पे नहीं चलने देंगे, उसका विरोध किए तो वो लोग हम लोग कहीं नहीं थे घर में और सबको मारा और पैंट खोल के अपना अंग दिखा रहा था कि जो जो बोलेगा उसको ये कर लेगा वो कर लेंगे। कल हम लोग का एग्जाम है और लड़का लोग गंदा गंदा कमेंट करता है, हम लोग अभी कुछ पढ़े नहीं है, कल एग्जाम है, हम लोग कैसे देंगे। और शशि के नाम का लड़का है जो पूरा मोहल्ला के एक हाथ में वो रखा हुआ है, वो बाहर का लड़का है, गांव का नहीं है यहाँ का, और पुलिस धमकी देता है, बोलता है क्या कि पुलिस को हम जेब में रखते हैं और तुम लोग जाओ, वो कुछ नहीं करता है। सर स्टूडेंट है यहाँ चोट लग गया, अच्छा हम पढ़ते लिखते हैं, कल रात में है ना वो लोग हम छोड़ाने गए, ठीक है, वो हम लोग को मारा सर, यहाँ देखिए ये किया, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग सरस्वती माँ का मूर्ति बैठाए ना, तो जितना स्टूडेंट सब पे केस कर दिया सर, 107 धारा लगा दिया सर, हम लोग बताइए स्टूडेंट पर केस करके हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। हर साल की तरह इस साल भी भागलपुर नगर निगम द्वारा ठंड बीत जाने के बाद गरीबों को कंबल बांटने की शुरुआत की जा रही है। इस बार कहराती ठंड का असर भागलपुर वासियों ने खूब झेला, ऐसे में गरीब लोगों को ठंड में कंबल की आवश्यकता थी। वही नगर निगम द्वारा अश्विन महीने में कंबल मुहैया कराई जाती है, जिसकी शुरुआत आज से नगर निगम द्वारा लाए गए 10,000 कंबल का वितरण 51 वार्ड में करने के लिए पार्षदों के पास भेजा जा रहा है। हालांकि पूछे जाने पर नगर निगम के कर्मी ने बताया कि चुनाव के कारण कंबल का वितरण नहीं हो सका है, चुनाव संपन्न होने के बाद इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। बता दें कि यह मामला कोई नई बात नहीं है, हर वर्ष नगर निगम द्वारा गर्मी आने के कुछ दिन पहले कंबल का वितरण होता रहा है। वही हर एक वार्ड में 200 कंबल निगम द्वारा पहुँचाया जा रहा है, प्रत्येक वार्ड के लिए 200 कंबल वितरित हो रहा है, सभी वार्डों में जाए, सभी वार्डों 51 वार्ड है कुल में, प्रत्येक वार्ड में 200 कंबल दिया जाए। देखिए कंबल तो पूर्व में ही आ चुका है लेकिन सरकार गठन में देरी होने के कारण लेट से बढ़ रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के आसिया चक पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुखिया सदानंद कुमार, प्रखंड स्वच्छता समन्वयक अमिता सिन्हा, कार्यपालक सहायक आनंद कुमार, पंचायत सचिव शक्ति प्रकाश, समाज सेवी विजय सिंह के द्वारा नारियल फोड़कर एवं हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान आसिया चक मुखिया सदानंद कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत पंचायत के सभी वार्ड में 2 सफाई कर्मी को भी लगाया गया है। साथ ही आसिया चक पंचायत के सभी घरों में सूखा कचरा एवं गीला कचरा रखने के लिए हरा डिब्बा और ब्लू डिब्बा दिया गया है। मौके पर शिवराज कुमार, जी छोसा, अजय कुमार, नीलेंद्र यादव, राजेश यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज ग्राम पंचायत आसिया चक में स्वच्छता लोहिया अभियान के तहत स्वच्छता का काम शुरू किया गया। इस अभियान में विभिन्न लोग बहुत लोग मौजूद हुए और इसे सफल बनाने के लिए हम लोग खुद ही तत्पर हैं, इसे सफल बनाएंगे, बिहार सरकार का यह योजना को कार्यरूपी बनाएंगे। मेरे पंचायत में 9 वार्ड है और 4 अन्य है और 4 अन्य को सभी जगह लगाया गया है और 9 वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी दिया गया है हर एक जगह जिसे पूर्ण रूप से स्वच्छ लोहिया अभियान के तहत
स्वच्छता अभियान चलाएं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर के कंजिया बाईपास रोड में द होप हॉस्पिटल का शुभारंभ जल्द ही होने वाला है, जिसको लेकर आज भागलपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल के चेयरमैन मनीष कुमार ने बताया कि इस हॉस्पिटल का समुचित लाभ भागलपुर के लोगों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि द होप हॉस्पिटल में मरीजों के लिए स्मार्ट आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी के अलावा न्यूरो, कार्डियो और नेफ्रो सर्जरी की व्यवस्था मिलेगी। हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा मिलेगी। चेयरमैन ने बताया कि 15 मार्च तक ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान अस्पताल प्रबंधन के कई सदस्य मौजूद रहे। आप भागलपुर वासियों के लिए जो मैं ये द होप हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ, जिसका समुचित फायदा पूरे भागलपुर वासियों को होगा, जिसमें मेन पॉइंट हमारा फोकस रहेगा स्मार्ट आईसीयू, मॉड्यूलर ओटी एंड जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट है वह है आपका न्यूरो, नेफ्रो एंड कार्डियो, इसकी सर्जरी हमारे यहाँ होगी। ठीक है, सुविधा दी जाएगी। सुविधा में जो आपका आईसीयू हो गया, एनआईसीयू हो गया, इमरजेंसी सुविधा हो गई, वो सारी मिलेगी। पब्लिक के लिए क्या मिलेगा सर? पब्लिक के लिए, ये हम पब्लिक के लिए ही कह रहे हैं सर, ये जितनी सुविधा है ये पब्लिक के लिए ही है। इस सर ये मेरा ओपीडी स्टार्ट 15 मार्च तक मैं कर दूंगा, फुल फाइनल होते होते हो सकता है मार्च एंड हो जाए या अप्रैल फर्स्ट वीक हो जाए, लेकिन 15 मार्च तक मैं इसको सर ओपीडी स्टार्ट करवा दूँ। कभी भी किसी चीज़ को ओटी में घुसाने के पहले सर कंसेंट होता है, अगर कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो आप ओटी लेते हैं, लीगल इशू होता है सर। अगर कोई कर सकता है तो उसका लीगल इशू है, आप लीगल में जा सकते हैं। लेकिन कि जैसे कि क्या होता है सर कि पेशेंट्स को अपना राइट्स पता नहीं होता है। पेशेंट्स को बहुत राइट है, पेशेंट को ही राइट है, तो पेशेंट को अपने राइट के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। वो आप जब तक जागरूक नहीं कराएगा तब तक, क्योंकि आप सरकारी चाहिए प्राइवेट के सब जगह उनका प्राइवेट का राइट बना हुआ उनका सिटीजंस का। भागलपुर नगर सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। इससे पहले वार्डों में पार्षदों को सभा करनी होगी, जहां से वे अपने अपने स्तर से जनता के बीच जाकर उनका भी सुझाव लेंगे और रिपोर्ट निगम कार्यालय में जमा करेंगे। इसी आधार पर नगर सरकार अपना बजट तैयार करेगी। वही नगर निगम की ओर से भी आम लोगों से सुझाव देने की मांग की गई है। इसी कड़ी में मंगलवार को भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 33 में पार्षद अफसाना की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रोड, नाला, पानी, रोशनी की समस्या, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन समेत अन्य तरह के मुद्दे सामने आए। बताया जा रहा है कि इसी आधार पर नगर निगम अपना बजट बनाएगा, जिसे फरवरी में इस कार्यकाल का पहला बजट मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल पेश करेंगी। वही वार्ड नंबर 33 की आम सभा में लोगों की समस्या और सुझावों को सुनने के बाद पार्षद अफसाना ने 50 से अधिक कार्यों की सूची तैयार कर नगर निगम को भेज दी। आम सभा में पार्षद प्रतिनिधि अली ने बताया कि वार्ड में सफाई के संसाधनों की कमी को दूर करने का भी निर्णय लिया गया है। इस दौरान सामुदायिक भवन का निर्माण और पानी की व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव लोगों ने दिया। बैठक में असर आलम, अच्छू, डब्लू वहीदी, सम्मी खान,
कालीचरण, अभिनवानंद, बीबी तबस्सुम, रिफत जहां, अशरफ, तुफैल आजम, आशुतोष के अलावा कई लोग मौजूद थे। वार्ड नंबर 33 के जनता जितने ही हैं, सब ने योजना दिया है रोड नल और नाले के लिए, हमने सबका ले लिया है अपने पार्ट का और अपने हम टैक्स दरोगा को दे दिया है। वार्ड काउंसलर के घर पर आम सवार लगा गया था, जिसके वजह से जो भी एप्लीकेशन आया है वो सारा हम अपने टैक्स दरोगा को दे दे रहे हैं। जो जो योजना है सारा योजना लिख के दे दे रहे हैं हम अपने टैक्स दरोगा को। भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन बिचौलियों के खिलाफ सख्त हैं, जिसको लेकर कई ठोस कदम उठाए हैं। प्रत्येक प्रखंड से अंचल कार्यालय में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इसके बावजूद भी गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में अभी भी बिचौलियों का बोलबाला है। कोई भी समस्या को लेकर आवेदक आते हैं तो उसे सबसे पहले बिचौलियों का सामना करना पड़ता है। वही गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय के जदयू प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी और कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक ने बताया कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया जाता है। इधर पप्पू कुमार मंडल ने बताया कि काबिल लगान का फाइल तैयार करके बढ़ाने के लिए अंचल के बड़े बाबू को उसने 1500 रुपए दिया था, लेकिन काबिल लगान का फाइल आगे नहीं भेजा गया और अंचल कार्यालय का चक्कर वो अभी तक काट रहे हैं। वही कई इंदिरा आवास लाभुक ने भी बताया कि बिना नजराना दिए कोई काम नहीं होता है, इंदिरा आवास में सिर्फ लूट मची है। खासकर गोपालपुर प्रखंड में लोग चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। हमको ऐसा जैसा जानकारी हुआ है कि बिना पैसे का यहाँ पर एक भी काम नहीं होता। जाति हो, निवास हो, आय हो, या वृद्धा पेंशन हो, या आवास योजना हो, सब चीज़ों में पूरा यहाँ भ्रष्टाचार से लिप्त है। लगभग 3-4 महीनों से दौड़ रहे हैं। किस चीज़ को लेकर के? काबिल लगान संबंध में दिए थे, नहीं हुआ है काम। क्या बोलता है? बोलता हो जाएगा हो जाएगा, हो नहीं रहा है काम। पैसा भी दिए थे? हाँ, कुछ। कितना? 1500 दिए। क्या बोला था पैसा लेने के लिए? क्या बोला? बोला कि हो जाएगा काम, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। कहलगो प्रखंड के कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह के सेनानिवृत्त होने पर विदाई से सम्मान समारोह का आयोजन प्रखंड कृषि कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर उन्हें अंगवस्त्र एवं फूल माला से बीडीओ रवि कुमार सिन्हा ने सम्मानित किया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अपने सेवा काल में जो प्रेम और माहौल उनको कहलगो प्रखंड में मिला, वैसा माहौल और प्रेम उनको और कहीं नहीं मिला था। वे बीडीओ रवि कुमार सिन्हा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन सबसे कठिन दिन होता है और यह दिन सबको सेवा काल में एक दिन जरूर आता है। कार्यक्रम का संचालन शिवलंत कुमार ने किया। मौके पर कृषि समन्वयक फूलचंद, योगेश्वरी श्रीकांत सिंह, कृषि सलाहकार पंकज सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अच्छी यादें, झांकी निकालने का मौका मुझे मिला यहाँ गणतंत्र दिवस के दिन, ठीक न? ये बहुत अच्छी याद। और उसमें जो है मैंने झांकी निकाला तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि हमको प्राइज भी मिलेगा। उसके बाद मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया, यही इससे बड़ा हो तो और कोई उपलब्धि और अच्छा दिन तो हमको नहीं महसूस हो रहा है। और अब में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 50 केंद्रों पर बुधवार से शुरू होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा, कदाचार मुक्त एग्जाम कराने की तैयारी में जुटे अधिकारी। प्रेम प्रसंग की जाल में फंसी शादीशुदा महिला, अब न प्रेमी कर रहा शादी और न ही पति रखने को है राजी। नशे के धंधेबाजों के खिलाफ लोगों को आवाज उठाना पड़ा महंगा, एसएसपी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचे युवक। नगर निगम से वार्डो में भेजा जा रहा है कंबल, जरूरतमंदों को वार्ड पार्षद करेंगे वितरण। और लोहिया स्वच्छ अभियान को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।